हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब। आज के इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि एक्सेल में और क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारी जो अभी सीरीज जो चल रही है एक्सेल इज़ ईजी, इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे पार्ट में हमने डेटा एंट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखा था, तीसरे पार्ट यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। एक्सेल का डे टू हो चुका है हमारा। डे टू यानी कि हमने एक्सेल में दूसरे दिन क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले जाकर उसे वीडियो को देख कर आइए, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हम डे वन वाली बात कर लेते हैं। डे वन में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आप इस डेटा की एंट्री कर सकते हैं। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एंट्रीज की होंगी। अगर आपको एक्सेल सही से सीखना है तो आपको मुझे फॉलो करना होगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको करते जाना होगा। इसके बाद आपको एक्सेल में कोई डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरी तरफ से गारंटी है। ओके, तो डे वन में हमने ये सीखा था। डे टू में हमने जाना था कि किस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है तो वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 45 है, यहाँ पर अगर हम 68 कर दें तो यहाँ पर कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। डेट्स कॉल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने अलग अलग कंडीशन लगाई थी, ठीक है, 3 कंडीशन लगाई थी, ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं, एक नया शीट यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। यहाँ से मैंने एक नया शीट लिया, शीट का नाम हम चेंज कर देते हैं और शीट का नाम हम रखते हैं डे 3, यानी तीसरे दिन। तो पहले दिन, दूसरे दिन क्या करना था ये हमने जान लिया है। अब यहाँ पर तीसरे दिन हमें क्या करना है उस पर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। ओके, तो अच्छा, बीच बीच में अगर कोई चीज़ें होंगी ना, जैसे कि नया रो या नया कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें मैं बीच बीच में बताते रहूँगा। हमें फोकस करना है मेन टॉपिक्स के ऊपर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम जान गए हैं। इसके बगल में यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन दिया है। तो अभी आप नॉर्मल ये सब चीज़ों को जानते चलिए, डीप में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हमें नॉर्मली जानना है कि काम कैसे एक्सेल में किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया है, जो भी फॉर्मूला बताया वो शॉर्ट ट्रिक में बताया है। तो पहले हम लोग फॉर्मेटिंग्स वगैरह जान लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे। तो ये क्या होता है फॉर्मेट एज टेबल। तो जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक डेटा आप बना लो। पहले तो मैं एक डेटा बना लेता हूँ, छोटा सा एक डेटा बनाऊँगा, ईएमपी कोड, शॉर्ट में ईएमपी अंडरस्कोर कोड, फिर उसके बाद ईएमपी अंडरस्कोर कर दिया नेम, फिर उसका पोस्ट कर दिया कि वो किस पद पर है, फिर उसकी सैलरी कर दी कि वो कितनी सैलरी पाता है। सैलरी के अलावा हमने उसकी जो चलो फिलहाल इतना ही करते हैं सैलरी, ठीक है, आगे हम देखेंगे इस टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल तो अभी हम इतना ही रखते हैं। तो नेम पोस्ट सैलरी हमने ले ली, इसको सेलेक्ट करते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बॉर्डर चाहें तो पहले अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको दिखने लगे। अब यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। फॉर्मेट एज टेबल में आपको डिफरेंट टाइप्स के टेबल दी गई होंगी, यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पहले तो डेटा को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा और प्लस वो एरिया जिसमें आपको डेटा फिल करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल में, और फॉर्मेट एज टेबल में आप चुनेंगे यहाँ से कि किस प्रकार का फॉर्मेटिंग आपको अपने टेबल को देना है। जैसे मैंने यहाँ से ये वाला फॉर्मेटिंग चुना। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा ये आपके टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेगा। एंड इसमें एक ऑप्शन होता है जिस पर लिखा होता है माय टेबल हैज़ हेडर्स, यानी आपको टेबल, आपने जो टेबल के अंदर हेडर्स डाले हैं उनका ही प्रयोग आपको हेडिंग के तौर पे करना है। तो आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो माय टेबल हैज़ हेडर को हमने चेक कर लिया, देन ओके कर दिया। अब आप देख पाएंगे कि आपका जो पूरा टेबल है वो इसी फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो गया। अभी से भी आप चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपका टेबल किस प्रकार का शो होगा, ठीक है। तो आपको जो इसमें से सही लगता है वो टेबल का फॉर्मेटिंग आप रख सकते हैं, क्लियर।
चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो हमने ये वाला फॉर्मेटिंग ले लिया। अब इसके अंदर ना ये जो ऑप्शन दिया है इसको फ़िल्टर बोला जाता है। ये जो यहाँ पर आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं इनको फ़िल्टर्स बोला जाता है। फ़िल्टर को हटाने के लिए आप कीबोर्ड से बटन दबा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर आप डायरेक्टली इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फ़िल्टर, यहाँ से आप फ़िल्टर को ऑफ़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर को ऑफ़ कर दिया। अब फ़िल्टर कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। चलो तो अभी तो फ़िलहाल हमें इसे क्या करना है, सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड भरते हैं 1001 देन 1002। ओके, यहाँ पर दोनों एम्प्लॉयज़ को मैंने भर लिया है। थोड़ा सा सेंट्राइज इसको कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको ट्रैक कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद नेम की बारी है, तो यहाँ पर 10 अलग अलग नाम हम भर लेंगे। जैसे तो यहाँ मैंने नाम भर लिया है, अब उनकी कुछ पोस्ट हम भरते हैं। पोस्ट भरने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दो तीन पोस्ट के नाम आप सोच लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट भरने के लिए पहले तो आप नाम सोच के रखो। जैसे मैंने नाम सोच लिया कि मुझे क्लर्क डालना है, प्यून डालना है, और उसके बाद क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, गार्ड, मैनेजर, सुपरवाइज़र, तो ये सारे नाम आपको डालने हैं। तो ये सोच के रख लिया, ये हालांकि डालना नहीं है, ये सोच लिया। अब देखो करना क्या है कि हम सोच रहे हैं कि जब हम पोस्ट पर जाएं तो यहाँ पर पोस्ट में लिस्ट आ जाए कि इस पोस्ट पर लोग हैं, आपको ये लिखना ना पड़े, आपका लिस्ट आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हेडिंग छोड़ देना है। हेडिंग के नीचे वाले एरिया को ऐसे करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा था कि मैं इधर उधर भी जाऊँगा, तो मैं उसी में से एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हेडिंग को छोड़कर बाकी सबको सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट वाले को केवल। फिर जाना है आपको डेटा में, एंड डेटा में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, तो डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। अब इस डेटा वैलिडेशन में आपको कुछ सेटिंग करने के दी जाएंगी। इस सेटिंग में आपको अलाउ क्या करना है, अलाउ टाइप में आपको लिस्ट बताना है, और सोर्स में आप उन चीज़ों का नाम लिख दीजिए जो आपको सोर्स में डालने हैं। जैसे क्लर्क, तो आपको लिखना पड़ेगा CLERK, फिर कॉमा दीजिए, देन स्पेस देकर प्यून, फिर कॉमा स्पेस, कॉमा स्पेस, उसके बाद मैनेजर, फिर कॉमा स्पेस सुपर वाइज़र। ठीक है, तो सुपरवाइज़र हो गया। और इसके अलावा भी अगर कोई पोस्ट है तो आप इसी प्रकार से उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इतना कर लिया हमने, ओके कर देते हैं, बस हो गया हमारा काम, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप इसके अंदर डेटा को फिल कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो है आपको डेटा इसमें फिल करना है। तो चलो मैं फटाफट से इसके अंदर डेटा फिल कर ले रहा हूँ। एक सुपरवाइज़र हो गया, एक यहाँ से मैनेजर कर लेते हैं, एक प्यून कर लेते हैं, एक यहाँ पर क्लर्क कर लेते हैं, फिर एक सुपरवाइज़र, एंड देन एक गार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेटा तो हमने फिल कर लिया, अब बात आती है सैलरी की। तो देखिए आप देख पाएंगे कि मैनेजर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो सब जगह की सैलरी लगभग सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। हालांकि आप इस फार्मूले से घबराएंगे नहीं, आराम से हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, आपको बस उसे फॉलो करना है और समझना है कि आखिर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू इफ़, इफ़ का मतलब होता है यदि। आगे इसको एलिब्रेट किया जाएगा अगले सेशंस में कि इफ़ कैसे काम करता है। फ़िलहाल अभी आप जानिए कि हमने लिखा यदि, यदि ये वाली वैल्यू, ठीक है, एट द रेट पोस्ट, इसका मतलब हुआ कि पोस्ट की वैल्यू, यदि पोस्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो हम एक एक इसमें से नाम लिखते जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्लर्क, CLERK, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो हमने पोस्ट को किसके साथ इक्वल किया, क्लर्क के साथ। यदि कोई बंदा क्लर्क है तो उसे हमें 25
1000 की सैलरी देनी है। ठीक है, तो ये एक बंदे के लिए हो गया, एक पोस्ट के लिए हो गया, क्लर्क के लिए। हालांकि इसके सामने मैनेजर है तो कोई नहीं, फिर से हम एक बार चेक करेंगे, क्योंकि क्लर्क हो सकता है ना हो, तो फिर से एक बार इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे और फिर से इस पर क्लिक करेंगे। सेम इसी पर आपको अलग अलग क्लिक नहीं करना है, सेम बस इसी पर क्लिक करना है। तो यदि कोई बंदा मैनेजर हो, क्लर्क के बाद मैनेजर के लिए हमने सोच लिया, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। तो यदि कोई बंदा मैनेजर हो, किसी का पोस्ट मैनेजर हो, फिर यहाँ कॉमा दिया। तो अब याद रखना कि टेक्स्ट के दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। तो अगर कोई मैनेजर हो तो उसे 28,000 की सैलरी देनी है। ये मैं अपने से रैंडमली डिसाइड कर रहा हूँ, आप अपने से भी डिसाइड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर से सेम प्रोसेस, पोस्ट इज इक्वल टू, तो आपको बारी बारी से हर चीज़ हर पोस्ट के लिए ऐसा लिखना है। तो मैनेजर के बाद हम सुपरवाइज़र की बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद, सुपरवाइज़र को 32,000 हमने ऐसे अलॉट कर दिया। फिर उसके बाद एक और लिखा है इफ़, और अगेन सेम बार बार आपको एक ही जगह क्लिक करना है, इज इक्वल टू सुपरवाइज़र के बाद हमने प्यून को ले लिया, प्यून। तो प्यून को हमने कितनी की सैलरी दे दी, लाइक प्यून को हमने दे दी 16,000 की सैलरी। ठीक है, 16,000 की सैलरी हमने प्यून को अलर्ट कर दी। फिर एक रह जाता है गार्ड, तो फिर से हम यही पे क्लिक करेंगे। अच्छा, स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो स्पेलिंग आपने लिखा है इस लिस्ट में सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ भी लिखना होगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फिर वो फार्मूला काम सही से नहीं करेगा। तो अगर कोई गार्ड है तो उसकी सैलरी हमने कितनी कर दी, 18,000 कर दी। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक कि मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 बार इफ़ लगाया है, एक भी बार अभी तक इफ़ को बंद नहीं किया। और हमने यहाँ पर लिस्ट में भी आई थिंक 5 लोगों को बनाया, मैनेजर, सुपरवाइज़र, गार्ड, क्लर्क, प्यून। ओके, अब यहाँ पर आपको 5 बार ब्रैकेट को बंद करना है। अच्छा, एक चीज़ रह गया यहाँ पर मिसिंग, एल्स वैल्यू। एल्स वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई भी ना हो, ना ही क्लर्क ना मैनेजर, यानी इसकी जगह आप कुछ और डालें, तब यहाँ पर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब है कि दो वैल्यू ब्लैंक रहनी चाहिए, यानी अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक होना चाहिए। अब आप 5 बार इसको बंद कर दो और एंटर करते ही आप देखेंगे कि जिस पोस्ट, जो भी पोस्ट आपने चुना है उससे रिलेटेड वैल्यू अपने आप सब में आ चुकी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से हमने वैल्यू फार्मूला लगाया सैलरी निकालने के लिए। ओके, अच्छा, अगर आप किसी पोस्ट को बदलते हैं, जैसे इसको क्लर्क से आप गार्ड देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जो है इसकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, या फिर आप इसको सुपरवाइज़र करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेटा हमने तैयार करा और इसको किया है फॉर्मेट एज टेबल। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो मेरा था फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर ही। अच्छा, फॉर्मेट एज टेबल में मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ था। ठीक है, तो फिर से हम उस फिल्टर को अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर कैसे अप्लाई करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से हमने उसको बंद किया था ना वहीं से हम फ़िल्टर लगा देते हैं। फ़िल्टर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को फ़िल्टर करके निकालने के लिए, बड़े से टेबल रेंज में से किसी पर्टिकुलर डेटा को फ़िल्टर कर निकालने के लिए हम फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं, यानी कि अलग करके निकालने के लिए। अब मान लो कि आपसे कहा जाए, नहीं नहीं केवल सुपरवाइज़र बताइए कितने हैं सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइज़र के लिए आपने पोस्ट वाले के फ़िल्टर पे क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ ओनली सुपरवाइज़र को चेक करके ओके करेंगे। तो जितने भी सुपरवाइज़र होंगे ना आपको यहाँ शो करेंगे। ठीक है, इनकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, तो आप इनकी सैलरीज को बस केवल सेलेक्ट कर लो और नीचे आप यहाँ देखेंगे कि इनकी सैलरी यहाँ नीचे शो कर रही होगी। आप देख सकते हैं 1,28,000 यहाँ पर शो कर रही है इनकी टोटल सैलरी, एवरेज कितना है 32,000। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सबको देखना है। अब मान लो कि आपको सबको नहीं, दो को देखना है, एक गार्ड और एक प्यून, ये दो लोगों की सैलरी डिटेल आपको जाननी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 जगह गार्ड है और 2 जगह प्यून है। अब सब दोनों की सैलरी मिलाकर टोटल कितनी होती है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो 68,000 रुपये इनकी टोटल सैलरी बनती है। तो इस तरह से आप इस पर फ़िल्टर लगाकर अलग अलग डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो डे 3 में इतना आपको करना है। डे 3 में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद उसको फॉर्मेट एज टेबल करके फॉर्मेट एज टेबल करना है
और उसके बाद उसके अंदर डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के लिए मैंने दो चीज़ें बताई हैं इसमें, कि यहाँ लिस्ट को कैसे तैयार करना है, और दूसरा लिस्ट अगर आपने बना लिया है तो फिर उसके लिए एक फार्मूला कैसे तैयार करना है, ताकि आपको बार बार यहाँ पे वैल्यू बदलने की ज़रूरत ना पड़े। यानी जैसे अगर आपको यहाँ पे पोस्ट बदलना है, इसका गार्ड की जगह इसको आपको मैनेजर बनाना है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सैलरी डिटेल है वो चेंज हो जानी चाहिए। ये फार्मूला से ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ आपको पोस्ट के साथ साथ उसका सैलरी भी डिफाइन करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कैसे इसमें डेटा एंट्री की जाती है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को एज़ इट इज़ फॉलो कर रहे होंगे, जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो करिए। हाँ, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर डेटा कम डाला है, जैसे 10 डेटा या 11 डेटा डाला है, आप वहाँ पे 20 या 25 डेटा डालकर इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आप अभी कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, तो मिलेंगे अब जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लगे रहिए, कंटिन्यू करिए, और एक्सेल में अगर कोई भी डाउट आपको पड़ता है, यानी इस कामों को करने में जो भी मैं बता रहा हूँ इन कामों में अगर आपको कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।